इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स. सो इट्स ए डे टू क्लास टू कंटिन्यूइंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ और इंटरप्रिटेशन ऑफ सीबीसी दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट अंडरस्टैंडिंग डे टू. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सेलुलर कंपोनेंट. लास्ट क्लास में हमने बात किया था आपसे TLC के बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ TLC इन CBC कंप्लीट ब्लड काउंट में. आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स को लेके. तो प्लेटलेट्स क्या हैं, कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, उनके वेरिएशन से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं. तो बेसिकली प्लेटलेट्स का जो काउंट है इट इज़ 1.5 से लेके 4 लाख तक नॉर्मली हमारे ब्लड में सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट में पाया जाता है. तो 1.5 लाख से 4 लाख तक. तो एनी काउंट लेसर देन 1.5 हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया. थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स को डिनोट करता है, पीनिया मतलब डिक्रीज. थ्रोम्बोसाइटोसिस, एनी काउंट इज गोइंग अबोव 4.5 लाख हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की. जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं. तो प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है, तो फर्स्ट हमें देखना प्रोडक्शन कहाँ पर होता है. तो प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है, वन थिंग. सेकेंड थिंग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसकी हम बात करते हैं थ्रोम्बोपोइटिन TPO, वो प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर. कहाँ प्रोड्यूस होता है, थ्रोम्बोपोइटिन लीवर के अंदर. एक ऐसा ही प्रोटीन होता है जो RBC बनाने में मदद करता है, वो प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन EPO, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन. इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है CKD होता है तो RBC काउंट HB कम हो जाता है, उसका कारण है ये EPO, एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाना. इसलिए एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आप कंसंट्रेट करिए TPO पे, थ्रोम्बोपोइटिन, जो प्रोड्यूस होता है हमारी लीवर के अंदर एंड ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन में. तो प्रोडक्शन वन इन बोन मैरो, अनदर वन इन इन द व्हाट हैपेंस इन द लीवर, TPO थ्रोम्बोपोइटिन. थर्ड थिंग, सम ऑफ द अनामलीज, some of the anomalies or let us say congenital in the platelets, so जिसके कारण platelet count बढ़ता नहीं है. तो सबसे पहले तो कोई भी ऐसी problem जिससे bone marrow suppression हो जाएगा, bone marrow suppression, कोई भी आप drugs ले रहे हैं या कोई भी ऐसी activity है जिससे bone marrow suppression हो रहा है, chemotherapy चल रही है, cancer का patient है, तो platelet count आपको कम मिलेगा, one thing. सेकेंड थिंग TPO, TPO अब कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर. तो कोई भी लीवर की लंबे समय की बीमारी होगी, जैसे हम बोलते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज़ CLD, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, सिरोसिस ऑफ लीवर, तो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें TPO बनना ही कम हो जाएगा. थ्रोम्बोपोइटिन जो प्रोटीन है, जो थ्रोम्बोपोइटिन TPO है, वो बनना कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे हमें प्लेटलेट्स कम बनेंगी. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, कुछ जैसे हम बात करें कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, और प्लेटलेट्स का लो होना. तो ITP में क्या होता है, इडियोपैथिक, इसका पता ही नहीं चल पाया क्यों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी कम रहती हैं, तो इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. थर्ड थिंग, सम ऑफ द इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस जो हम डेली या जब भी आउटब्रेक होता है, लेट अस से एंडेमिक होता है या एपिडेमिक होता है तो हम सुनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेंगू फीवर. और डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं काफ़ी मार्जिनली, सो इट्स ए वायरल फीवर. तो और भी कोई वायरल पैथोलॉजी है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती हैं. तो बेसिकली हम बात करें तो बोन मैरो में डिफेक्ट आने की वजह से, कोई भी ड्रग्स कोई भी ले रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे माइलो सप्रेशन हो रहा है, बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है. सेकेंड थिंग, थ्रोम्बोपोइटिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बनते हैं, अगर वही उसी का प्रोडक्शन बंद हो जाए. थर्ड थिंग, कोई भी एनी इन्फेक्शन, लेट अस से वायरल इन्फेक्शन, जैसे हम डेंगू फीवर है. सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड कंप्लेंट, जैसे ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, उसमें कभी भी प्लेटलेट्स हैं वो नेवर टचस द नॉर्मल सी, कभी भी नॉर्मल ही नहीं आती, इट इज़ ऑलवेज द सब ऑप्टिमल, और 1.5 लाख से हमेशा कम ही मिलती हैं जब भी आप चेक करवाते हैं. कई बार क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनकी प्लेटलेट हम चेक करवाते हैं, हमें इंसिडेंटली मिलती है 70,000. पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, फीवर की हिस्ट्री नहीं है, फीवर प्रेजेंटली भी नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, पेशेंट वॉक इन पेशेंट है, पेशेंट किसी और कंप्लेंट्स के लिए आया और हमने उसका CBC करवाया और उसके दौरान हमें पता चला प्लेटलेट्स 45,000 है. तो हमें पता करना है, तो अभी सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्रॉनिक लीवर डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट्स, कोई माइलो सप्रेशन बोन मैरो सप्रेस करने की कोई दवाइयां तो नहीं ले रहा है, तो ऐसी मेडिसिन को हमें रूल्ड आउट करना पड़ेगा. कीमोथेरेपी तो नहीं चल रही, कार्सिनोमा का पेशेंट तो नहीं है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, कोई CLD तो नहीं है, अंडरलाइंग CLD तो नहीं है जिसके कारण TPO कम बन रहा है. अगर ये सारी चीज़ें रूल्ड आउट हो जाती हैं तो लास्ट में हमारा बचता है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा. तो इसमें हमें क्या करना है, इसको कंफर्म करने का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो
एस्पिरेट करके उसको हम सैम्पलिंग करते हैं और हमें पता चलता है तब ये पेशेंट को क्या है, ITP है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो वो हम तभी करवा सकते हैं जब एडेक्वेट प्लेटलेट्स के नॉर्मल लेवल हैं। पहले हमें बाकी चीज़ें रूल्ड आउट करनी पड़ेंगी। ITP इज़ ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है हमने सारी चीज़ें रूल्ड आउट कर ली हैं ओवर क्लिनिकली, हेमाटोलॉजिकली और जो भी रेडियोग्राफिकली और जो भी लास्ट में फिर हम इन्वेसिव, क्योंकि ये हम क्या करते हैं इसमें एस्पिरेट बोन मैरो को एस्पिरेट करने के लिए इससे इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो हमने प्लेटलेट्स, तो ये पढ़ा हमने प्लेटलेट्स किस में कम हो जाते हैं और लास्ट वन डेंगू फीवर में काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि माइलो सप्रेशन होता है, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है और प्लेटलेट्स काफ़ी मात्रा में कम चली जाते हैं जिससे कई बार ब्लीडिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स कब बढ़ती हैं हमें पता होना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटलेट्स कब बढ़ेंगी, सबसे पहले अगेन फिर हम देखेंगे प्लेटलेट्स बोन मैरो प्रोडक्शन तो कहीं ज़्यादा नहीं हो रहा बोन मैरो में प्रोडक्शन, कोई कार्सिनोमा तो नहीं है बोन मैरो का, मेगा कार्योसाइट्स जो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होती हैं वहाँ का कोई एक्टिवेशन तो नहीं है, वहाँ से तो स्टिमुलेशन ज़्यादा नहीं आ रहा है। सेकंड वन इन्फेक्शन, कभी भी इन्फेक्शन होगा, सुपरा एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी सेप्सिस है, उसमें थ्रोम्बोसाइट्स बढ़ जाएंगी। थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिहाइड्रेशन। जब भी डिहाइड्रेशन होगा, पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, आपको प्लेटलेट्स में वेरिएशन मिलेगा, प्लेटलेट्स आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और जब प्लेटलेट काउंट बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्लेटलेट का फंक्शन जो है, फंक्शन है प्लेटलेट्स का ब्लीडिंग को रोकना। सो ब्लीडिंग कैसे रोकते हैं, सपोज यहाँ पे कट हो गया, ब्लीडिंग लगी, तो प्लेटलेट्स सारी एग्रीवेट हो गए यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देंगी और ब्लीडिंग को रोकने में मदद करेंगी। तो अब ये मदद जो कर रही है, थ्रोम्बोसाइट्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाए, तो उसमें क्या होता है कई बार ब्लॉकेज के चांसेस भी होते हैं, तो आपको रेफर्ड बैक करना पड़ेगा। पैथोलॉजी में हमने कभी पढ़ा था विर्को ट्रायड में क्या होती है, तीन चीज़ें होती हैं रेजिस्टेंस होता है, डैमेज होती है एंडोथीलियल्स को, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स ज़्यादा मात्रा में होता है और इंटरनल फ्लो रेजिस्टेंस, जो फ्लो है उसमें कमी आ जाएगी। सो एंडोथीलियल डिसफंक्शन, रेजिस्टेंस टू फ्लो हो जाएगा और प्लेटलेट एग्रीवेशन वहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे मिलके बनाते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। विर्को ट्रायड हमें ये पैथोलॉजी में पढ़ा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और अभी हमने डिस्कस किया प्लेटलेट्स कम किस कंडीशन में होती है, कब बढ़ती हैं। तो जब भी हम CBC को देखते हैं, तो अगर किसी पेशेंट्स की प्लेटलेट 30,000 आई हुई है CBC में देखने, बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो हम इसको बोलेंगे मोनोसाइटोपीनिया। क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोपीनिया। मोनो का मतलब होता है एक, साइटो का मतलब सेल, पीनिया का मतलब डिक्रीज, मोनोसाइटोपीनिया। अगर दो सेल्स कम हो, दो सेल्स हम बात करें RBC WBC, ये हो गया बाई साइटोपीनिया। बाई मतलब दो, साइटो मीन्स सेल, पीनिया मीन्स डिक्रीज। अगर तीन सेल्स कम हो 1, 2, 3 तीन कम हो तो इसको हम बोलेंगे पैन साइटोपीनिया। पैन का मतलब ऑल, और सेल्स कितनी है, ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट है उसमें तीन ही सेल हैं, इसके अलावा नहीं है, तो पैन साइटोपीनिया, तो तीनों सेल्स का कम हो जाना। तो ये हमने पढ़ा कब कब कम होती हैं और कब कब किस कंडीशन में ये बढ़ती हैं। तो किसी भी पेशेंट का अगर एग्जाम्पल मैं दूँ, हमने एक पेशेंट आया, उसको जनरलाइज्ड माइल्जिया बॉडी एक्स थे, हमने जस्ट CBC शुगर और जस्ट कैल्शियम ये टेस्ट करवाए और प्लेटलेट्स हमें मिली उसकी 40,000। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन रूल्ड आउट हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा डेंगू का एपिडेमिक है या एंडेमिक है, वहाँ से आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आउटब्रेक तो नहीं है डेंगू का, वन थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट को वॉमिटिंग तो नहीं है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, फीवर 4-5 दिन पहले की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि डेंगू में क्या होता है फर्स्ट फोर डेज़ तक जो फेब्राइल फेज़ होता है उसमें प्लेटलेट्स नॉर्मल होती हैं। उसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल फेज़ में क्या होता है प्लेटलेट्स डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये होता है 5 to 8 days, और अबाउन 8 डेज़ के बाद होता है रिकवरी फेज़, इसमें प्लेटलेट्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहीं क्रिटिकल फेज़ में तो नहीं है पेशेंट डेंगू के, वन थिंग। सेकेंड CLD, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को कोई, हमें रूल्ड आउट करना पड़ेगा, तो हमें LFT की मदद लेनी पड़ेगी, वहाँ पे बिलरुबिन सीरम एल्बुमिन जो टोटल प्रोटीन लेवल्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा, उनमें कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड साउंड की मदद लेनी पड़ेगी, पेशेंट का जो लीवर का इको टेक्सचर है वो तो कहीं अल्टर्ड नहीं है, क्योंकि CLD सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है लीवर का इको टेक्सचर जो है वो अल्टर्ड हो जाता है, तो बेसिकली उसकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। सेकेंडली
थर्ड मोस्ट, अगर सारी चीज़ें हमने रूल्ड आउट कर दी हैं तो पेशेंट को मेडिसिन दी और फॉलोअप पे भी उसकी परसिस्टिंग लो प्लेटलेट्स हैं, तो लास्ट वन इज़ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मैंने बताया था ITP. ITP हमें रूल्ड आउट करना पड़ेगा और पेशेंट को हमें बोन मैरो सैम्पलिंग के लिए भेजना पड़ेगा. तो होप दिस विल बी अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू यू. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द Day 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द RBC. HB कम कब होता है, क्या इसकी मोडेलिटीज़ हैं, एनीमिया की क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे हमें पेशेंट को एक्सक्लूड करना है, कैसे हमें PBF की रीडिंग करनी है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म है जो स्मीयर है वो उसको कैसे हमें क्लिनिकली डायग्नोज करना है. तो हेयर विल बी लॉट ऑफ क्लिनिकल डिस्कशंस. आपकी जो क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं और मैसेज में, टेक्स्ट में, इनबॉक्स कर सकते हैं. विल ट्राई टू फाइंड आउट. और लेक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट है, एनीथिंग यू जस्ट वांट टू ऐड ऑन क्लिनिकल सिनेरियोस, हम ऐड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास हम जब ये ख़त्म हो जाएंगे पूरी लेक्चर सीरीज 5 डेज की, तो हम फिर स्टार्ट करेंगे आपके साथ क्लिनिकल केस डिस्कशन. एक एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें क्या है, यू कैन आंसर एंड यू कैन फॉलो दैट. सो थैंक यू वेरी मच. बी कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल. बी द सेवियर्स एंड बी द क्लिनिकली स्किल्ड. थैंक यू वेरी मच.